हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल से पढ़ने से पहले हम कुछ टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। एक टर्म्स होता है कांस्टेंट और एक टर्म होता है वेरिएबल। ठीक है, कांस्टेंट टर्म्स क्या होते हैं? कांस्टेंट टर्म्स वो टर्म्स होते हैं जिनकी वैल्यू डिफाइन होती है या जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। जैसे हम बोला 5, 6, -2, और अगर हम वेरिएबल की बात करें तो a, x, y, ये क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं। ठीक है, कांस्टेंट और वेरिएबल, कांस्टेंट और वेरिएबल के कॉम्बिनेशन से एक एक्सप्रेशन बनता है, उसको हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या? कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल। ठीक है, कॉन्स्टेंट ऑफ कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल्स। ठीक है, अब हमें कैसे पता होगा कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे लिखा हुआ है, क्या है कहानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की? तो सबसे पहले हम एक टर्म्स लिखते हैं, 5x² + 3xy + 7y²। ठीक है, ये हमारे पास लिखा हुआ है। तो इसमें हमने देख लिया कि कुछ तो कांस्टेंट है, ठीक है, कुछ टर्म क्या है? कांस्टेंट्स हैं, और कुछ क्या है? वेरिएबल्स हैं। एक्स और वाई क्या है? वेरिएबल्स, और ये क्या है? कांस्टेंट। तो ये क्या हो गए आपके? कांस्टेंट्स, और ये आपके क्या हो गए? वेरिएबल्स। अब कांस्टेंट और वेरिएबल्स को मिला करके प्लस माइनस साइन के साथ में अलग करके अगर हम कोई एक टर्म्स लिखते हैं, एक एक्सप्रेशन लिखते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हो गया? कॉम्बिनेशन ऑफ, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं हम, तो कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट्स विच आर सेपरेटेड प्लस और माइनस साइन, दीज एक्सप्रेशंस आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के क्या मतलब हुआ कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वो एक्सप्रेशंस होते हैं जिसमें हमारे पास कुछ प्लस माइनस टर्म्स के साथ में यहाँ पर माइनस भी हो सकता था। ठीक है, प्लस माइनस के साथ में वेरिएबल और कांस्टेंट के साथ एक जो टर्म बना हुआ है उन टर्म्स को सेपरेट कर करके लिख देना। एक और एग्जांपल देखते हैं हम। अगर हमने लिख दिया z की पावर 2/3 z की पावर 1/3 + 5z, तो ये भी क्या होगा हमारा? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस याद रखना, मैं जो टर्म्स यूज कर रहा हूँ वो क्या यूज कर रहे हैं हम अभी? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, यानी कि ऐसे एक्सप्रेशंस जो प्लस माइनस साथ के साथ अलग हो रहे हैं, प्लस माइनस साइन के साथ में अलग हो रहे हैं। यहाँ पर हमने माइनस भी ले सकते थे, ठीक है, प्लस माइनस साइन के साथ में जो एक्सप्रेशंस अलग अलग हो रहे हों, ठीक है, प्लस माइनस साइन के साथ में एक्सप्रेशंस अलग अलग हो रहे हो और एक्स वाई के टर्म्स में लिखे हों, या कोई भी वेरिएबल्स हो सकता है, ए बी सी भी वेरिएबल्स के रूप यूज किए जाते हैं कई जगह पर। अगर किसी बुक में लिखा हुआ है कि a³ + b³ + c³, तो ये भी क्या हो गया? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, a² - 2ab + b², ये भी क्या है? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, विच माइनस और प्लस के साथ में जिनको अलग अलग किया जाता है। अब इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में होती क्या क्या चीज़ें हैं? एक होते हैं कॉफिशियंट्स, एक होते हैं टर्म्स, टर्म्स होते हैं और कॉफिशियंट्स होते हैं। तो कॉफिशियंट्स क्या हो गए? जो वेरिएबल्स के सामने बैठे हुए होते हैं, जो वेरिएबल्स के आगे बैठे हुए होते हैं,
यानी कि बिफोर द वेरिएबल्स जो हमें मिलता है वो क्या होता है, कॉफिशियंट। ठीक है, और प्लस माइनस सात के साइन के साथ मुझे प्लस माइनस साइन नहीं लगा हुआ है, इससे पहले एक ये जो पूरा टर्म लिखा हुआ है क्या, फाइव एक्स स्क्वायर, ये पूरा क्या होता है, टर्म होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें कितने टर्म्स हो गए, वन टू और थ्री। अगर हम कॉफिशियंट्स की बात करेंगे तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट क्या हो जाएगा, फाइव, एक्स वाई का कॉफिशियंट क्या हो जाएगा, थ्री, एंड वाई स्क्वायर का कॉफिशियंट क्या हो जाएगा, वन। ठीक है, क्लियर। तो अभी तक हमने क्या देखा, सबसे पहले कांस्टेंट क्या होते हैं, कांस्टेंट वो जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, वेरिएबल्स वो जिनकी वैल्यू चेंज होती है। ठीक है, उसके बाद क्या था कि एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स विच आर सेपरेटेड बाय प्लस माइनस साइंस। ठीक है, प्लस माइनस साइंस के साथ में जो सेपरेट किए जाते हैं वो आपके क्या हो जाते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जैसे फाइव एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स वाई प्लस वाई, जेड की पावर टू अपॉन थ्री, जेड की पावर वन अपॉन थ्री माइनस 5z। अब ये टर्म्स अलग अलग किसके साथ हुए हैं, प्लस और माइनस के साथ में अलग अलग हुए हैं, तो ये वाला ये पूरा टर्म्स हो जाएगा, एक टर्म ये हो जाएगा, एक टर्म ये हो जाएगा। ठीक है, कॉफिशियंट्स क्या होते हैं, कॉफिशियंट जो भी वेरिएबल होता है उसके आगे वाला नंबर, जो भी वेरिएबल होता है उसके आगे वाला नंबर क्या होता है, कॉफिशियंट होता है। ठीक है, जैसे एक्स वाई, एक्स वाई का प्रोडक्ट दोनों वेरिएबल है तो ये दोनों एक वेरिएबल रहेंगे, इसके सामने कौन, कॉफिशियंट्स का एक नाम होता है कि किसका कॉफिशियंट, एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट, एक्स वाई का कॉफिशियंट। अगर इसमें पूछते जेड का कॉफिशियंट क्या है, तो जेड के आगे कौन बैठा है, माइनस फाइव, जेड के आगे कौन बैठा है, माइनस फाइव, जेड के सामने जो बैठा हुआ नंबर है वो क्या है, माइनस फाइव। तो हम यहाँ पे लिख सकते थे क्या, कॉफिशियंट्स ऑफ जेड इज इक्वल टू माइनस फाइव। ठीक, तो इस तरह से हम कॉफिशियंट्स के बारे में पता कर लेते हैं, टर्म्स के बारे में पता कर लेते हैं, ये सारी चीज़ें हमारी होती हैं। ठीक है, अब हम इसमें आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक्सप्रेशन, ठीक है, तो हमारा क्या हुआ, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हुआ हमारा, कि टर्म्स टर्म्स सेपरेटेड बाय सम सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन। ठीक है, जो टर्म्स प्लस माइनस साइन के साथ सेपरेटेड हो, जैसे अगर हम ये बोला कि 3x मल्टीप्लाइड बाई 5y इज इक्वल टू क्या, 15xy। ठीक है, तो हम इसमें ये नहीं कह सकते कि दो टर्म है, ये दो टर्म नहीं है, ये आफ्टर और मल्टीप्लाई होके एक ही टर्म बनेगा, तो ये टर्म क्या होगा, वन टर्म है, केवल वन टर्म। ठीक है, अच्छा कॉफिशियंट ऑफ एक्स वाई, हम इसमें पूछ सकते हैं कॉफिशियंट ऑफ एक्स वाई क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। लेकिन अगर ये ऐसे लिखा होता कि 3x प्लस 5y, देन ये एक टर्म होता, 3x एक टर्म होता अपने पास में और 5y एक टर्म होता, तो हमेशा याद रखना होता है कि प्लस माइनस साइन के साथ में सेपरेट होना चाहिए, मल्टीप्लाई के साथ में सेपरेट नहीं माना जाएगा, ना ही डिवीजन के साथ में वो सेपरेट माना जाएगा। अगर ये ऐसा होता कि 3 अपॉन 5 यहाँ पर x और y होता, तो इसको क्या लिख सकते, 3 अपॉन 5 और ये x अपॉन y। ठीक है, तो सेपरेटेड बाई केवल प्लस माइनस साइन के साथ में, कॉफिशियंट कितने हो गए, कॉफिशियंट ऑफ x 3 एंड कॉफिशियंट ऑफ y इज इक्वल टू प्लस का 5। ठीक है, चलिए कुछ देखते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं एक्सप्रेशन। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं एक्सप्रेशन, यहाँ पे हम लिखते हैं कि नंबर ऑफ टर्म क्या होंगे, और यहाँ पर हम लिखते हैं कॉफिशियंट एंड टर्म्स क्या क्या। ठीक, मैं इधर लिखूंगा, आपको ये दोनों पार्ट्स फिल करने हैं साथ के साथ, पहले मैं इधर के लिख देता हूँ, फिर आप वीडियो पॉज कीजिए, अपने ये वाले टर्म्स लिख लीजिएगा। ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ, ए क्यू प्लस थ्री बी स्क्वायर माइनस थ्री ए बी। ठीक है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, 1 2 3। या हम ये कह सकते हैं कि साइन गिन लो टोटल, 1 2, दो साइन है तो नंबर ऑफ टर्म 3, तो नंबर ऑफ टर्म्स हो गए 3। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर 1, बी स्क्वायर का कॉफिशियंट 3 एंड ए बी का कॉफिशियंट माइनस 3। और हमें अगर टर्म्स लिखने होंगे, टर्म्स क्या हो गए हमारे पास, ए क्यू और 3 बी स्क्वायर एंड माइनस का 3 ए बी। ठीक है, इस तरह से मैं इधर एक एग्जांपल हुआ, 2 3 एंड 4, तीन एग्जांपल मैं आपके लिए लिखता हूँ, वो आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है,
एक और लिख देता हूं मैं आपके लिए, ठीक। ये हमारे पास कुछ टर्म लिखे हुए हैं, ठीक है। अब नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो गए, सबने लिख लिया होगा, वीडियो पॉज कर लिया, सबने लिख लिया होगा नंबर ऑफ टर्म्स, 1, 2, 3, 4, 5, कितने प्लस माइनस साइन है, 5, तो नंबर ऑफ टर्म 6, इसमें 1, 2, अच्छा किसी ने अगर ये वाला काउंट कर लिया हो तो फिर तो कितने हो गए, 1, 2, 3, तो नंबर ऑफ टर्म को 4 भी लिख सकता है, नहीं लेकिन पहले टर्म को हटाते हुए, पहले टर्म को हटाते हुए नंबर ऑफ टर्म्स कैसे गिन लो, या फिर इजी भी है गिनना, 1, 2, 3, 3, यहाँ पर 1, 2, 3, कोफिशिएंट वगैरह सबने लिख लिया होगा आपने, ठीक है। लिख लिया कोफिशिएंट वगैरह सबने लिख लिया होंगे अपने, तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, एक्सप्रेशन पढ़ लिया, एक्सप्रेशन क्या होता है, प्लस माइनस साइन के साथ में कोफिशिएंट क्या होते हैं, टर्म्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली, ठीक है। ठीक है, अब हमने एक्सप्रेशन देख लिया, एक्सप्रेशन के बाद बात करते हैं पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल इज एन, पॉलिनोमियल्स की पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन विच आर सेपरेटेड बाई, सेपरेटेड बाई प्लस और माइनस साइन, माइनस साइन विथ कॉम्बिनेशन ऑफ क्या, विथ कॉम्बिनेशन ऑफ, इसमें टर्म लिख लें, टर्म्स एंड एवरी वेरिएबल्स, एंड एवरी वेरिएबल हैज पावर, पावर को क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट इज अ होल नंबर, इज अ होल नंबर। सबसे बड़ी बात इसमें बस यही है कि पॉलिनोमियल भी एक एक्सप्रेशन ही होता है, लेकिन ऐसा एक्सप्रेशन जिसकी वेरिएबल की पावर, जिसके वेरिएबल की पावर होल नंबर हो, वो पॉलिनोमियल कहलाता है, और एंड सच टाइप ऑफ एक्सप्रेशन, और सच टाइप ऑफ, सच टाइप ऑफ एक्सप्रेशन या एलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सॉरी क्या, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैज only whole number as a power of variable, आगे सुन। तो एक एस पॉलिनोमियल क्या हुआ, पॉलिनोमियल वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसके वेरिएबल की जितनी भी पावर होंगी वो सारी क्या होंगी, होल नंबर्स होंगी, होल नंबर्स होंगी, इसके अलावा कुछ नहीं होंगी, ठीक है। होल नंबर्स, होल नंबर्स क्या होते हैं आपके, अब आपको रिमाइंड होना चाहिए, होल नंबर्स क्या, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अगर मैं एक एग्जांपल लिखूं, एग्जांपल x² - 2x + 4, ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है एज वेल एज पॉलिनोमियल। इसका मतलब क्या हुआ कि हर पॉलिनोमियल एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, लेकिन हर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होता है,
अगर एक एग्जांपल मैंने लिखा था कि जेड की पावर 2 अपॉन 3 प्लस जेड की पावर 1 अपॉन 3 माइनस जेड, इसमें जेड की पावर क्या है, होल नंबर्स नहीं है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है, ये आपका पॉलिनोमियल नहीं हुआ। अच्छा एक और एग्जाम्पल के तौर पर, एक्स स्क्वायर प्लस 7xy प्लस वाई स्क्वायर क्या पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है, क्योंकि x की पावर 2, x की पावर 1, y की पावर 1, y की पावर 2 सारे होल नंबर्स हैं, पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल की पहचान क्या हुई कि केवल वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। एक और एग्जांपल, अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4, इसमें अब किसी ने ये देख लिया कि ये तो अंडर रूट में लिखा हुआ है लेकिन ये तो क्या है, कोफिशियंट था, कोफिशियंट अंडर रूट में हो या कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये होल नंबर, ये होल नंबर और इसकी पावर तो कोई मतलब है ही नहीं, तो ये क्या हो गया, एक पॉलिनोमियल हो गया, ये भी क्या हो गया आपका, एक पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। तो हम पॉलिनोमियल को पता कर सकते हैं कि क्या क्या पॉलिनोमियल है, कौन कौन से पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल्स के लिए लिखता हूँ मैं आपके लिए, एग्जाम्पल्स देता हूँ मैं आपको इधर, क्या आप मुझे बताएंगे वो पॉलिनोमियल है या नहीं, एग्जाम्पल्स पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल 3x स्क्वायर माइनस 7x की पावर माइनस 1 प्लस 2, तीसरा एग्जाम्पल 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एग्जाम्पल नंबर 4 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब y पावर माइनस 1 प्लस y स्क्वायर। तो हम इसमें देखेंगे 1/2 आ गया, 3/2 आ गया, लेकिन ये माइनस का 3/2 था, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3/2 हो जाएगा, तो ये टोटल क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर ही बन गया टोटल। तो ये जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा घुमा के भी दे सकता है वो आपको, ऊपर नीचे पावर ऐसे स्प्लिट करके दे सकता है, तो ये क्या हो जाएगा 7y² + y² + 4 पॉलिनोमियल, एक्स की पावर माइनस 1 नॉट अ पॉलिनोमियल, एक्स की पावर माइनस 1 और एक्स की पावर माइनस 2 नॉट अ पॉलिनोमियल, y की पावर माइनस 1 नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इस तरह से क्या पॉलिनोमियल्स हैं क्या पॉलिनोमियल्स नहीं हैं ये भी हम पता कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। इस पर बेस्ड कुछ और एग्जांपल्स आपकी एनसीईआरटी के बुक में हैं, एनसीईआरटी के पॉलिनोमियल की पहली एक्सरसाइज आप करा पाएंगे, लगा पाएंगे इस क्लास के खत्म होने के बाद में, ठीक है। तो वही आपका होमवर्क है, पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज नंबर 1 एनसीईआरटी की आपको सॉल्व करनी है, इस लेक्चर के बाद में आप इतने कैपेबल हो जाएंगे कि आप उस एक्सरसाइज को कर पाएं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, हाईएस्ट डिग्री या एक्स की जो भी हाईएस्ट डिग्री होगी, वाई की जो भी हाईएस्ट डिग्री होगी वो क्या होगी, उस पॉलिनोमियल का डिग्री कहलाती है। जैसे एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, x का वेरिएबल दे रखा है और इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, x की हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो क्या होगी इसकी डिग्री, इसकी डिग्री 3, ठीक है। नेक्स्ट जैसे हम देखें, अगर हम बात करें, एक और एग्जांपल लिखते हैं, माइनस 7y स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 2x, तो इसमें y की मैक्सिमम डिग्री क्या है 2, x की मैक्सिमम डिग्री क्या है 1, इसमें 1 और इसमें 1, हाईएस्ट डिग्री क्या है 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 2, ठीक है। एक और एग्जांपल, a की पावर 3 प्लस b की पावर 4 प्लस c की पावर cx की पावर 5, x की डिग्री मैक्सिमम क्या है 5, तो डिग्री क्या हो गई 5, ठीक है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ कि हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज नोन एज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब बात करते हैं, अब सम एंड डिफरेंस ऑफ, सम एंड डिफरेंस ऑफ
एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल्स। ठीक है, जब हम इसको पढ़ रहे हैं, हम नंबर्स को पढ़ते हैं उसी तरह से पॉलिनोमियल्स को पढ़ते हैं। इसमें हम पॉलिनोमियल्स के सम पढ़ेंगे, डिफरेंस पढ़ेंगे, प्रोडक्ट पढ़ेंगे और मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे। इसमें एचसीएफ कैसे निकालते हैं पॉलिनोमियल्स या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में, वो सारी चीज़ों की एक्सरसाइज इस चैप्टर में हम करेंगे। तो सबसे पहले सम एंड डिफरेंस। ठीक है, पहला एग्जाम्पल 3x² + 4xy + 3y² में प्लस -x² + +xy + y². अब ये प्लस का साइन लगा हुआ है तो ब्रैकेट खोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब जैसे एक एक शकल जैसे लोग होते हैं उनको हम ऐड कर देते हैं, x² और यहाँ पर x², x² के आगे -1 और यहाँ पर प्लस का 3। तो 3 में से -1 माइनस होता है तो कितना बचे 2, तो क्या बचेगा हमारे पास 2x². ठीक है, प्लस xy प्लस का 4xy तो क्या आ जाएगा हमारे पास 4xy प्लस 5y². ठीक, ये हो गए सम एंड। अच्छा, डिफरेंस निकालना होता, डिफरेंस हमारे पास अगर हम पूछ लें 3y² - 7xy - 3x³ + 4x² इसमें से हमने माइनस किया -3x² - 4xy + 2y². ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -3x² - -+4xy और ये -±2y² और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 3y² - 7xy - 3x³ + 4x² ऑलराइट। सो नाउ वी विल सी y² + 3y² एंड -2x² ठीक है, तो ये प्लस का 3 माइनस का 2 कितना बचेगा, ओनली 1y², क्योंकि प्लस 3 में से माइनस का 2 माइनस हुआ। ठीक है, अब xy का कोफिशियंट ऑफ xy -7 एंड कोफिशियंट ऑफ xy प्लस का 4, एक एक जैसे विच आर सिमिलर दे कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास में माइनस, ये प्लस का 7 है, यहाँ पर प्लस का 3 है, सॉरी प्लस का 4 है, तो क्या 3xy। -x³ इधर है ही नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस जिसके कोई साथ ही नहीं है उसको हम वैसे का वैसा ही लिख देंगे, प्लस 4x² और -3x² - x² अब इसमें 3x³ का साथ ही कोई नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं, जो नहीं मिला उसको हम वैसे का वैसा ही लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्लस और माइनस। ठीक है, इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए हैं। ठीक है, पहला है एड एडिशन, देखिए इसमें फर्स्ट -3x² + 7xy - 4y² को ऐड करना है प्लस के साथ में, इसके साथ में y³ - y² x + 1। एग्जाम्पल नंबर 2, 4xy + 7x² + 4y² - 3xy + 7/2y² प्लस करना है। ठीक है, दूसरे आपको सब्ट्रैक्ट करने हैं दूसरे क्वेश्चन में। ठीक है, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन में लिख लीजिए आप पहला क्वेश्चन, -3x - 4y - 7x - 10, दूसरा x³ (x³)(1/3) + (y³)(1/3) - 3x³(1/3) + 7x³(1/3)
सॉरी वाई की पावर 1/3, ये आपको घर से करने हैं। ठीक है, ठीक है। नाउ प्रोडक्ट ऑफ द पॉलिनोमियल्स, प्रोडक्ट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, 3x² - 5x + 2 और 2x - 3, इनका मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले 2x का इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दो। इसको क्या लिख सकते हैं, 2x और मल्टीप्लाइड बाई क्या, 3x² - 5x + 2। अब ये माइनस साइन है, इसको माइनस 3 के साथ में फिर से पूरा 3x² - 5x + 2, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना, 6x³ - 10x² + 4x - 9x² - 9x² + 15x - 6। माइनस साइन का मल्टीप्लाई हो रहा है तो सारे चेंज चेंज हो जाएंगे, माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 15 और ये। ठीक है, अब एक्स क्यू का तो कोई और टर्म है नहीं, तो फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, x³ - 9x² ये, तो -19x² 4x और 15x प्लस 19x और माइनस का 6, प्रोडक्ट हो गया आपका। एक और एग्जांपल, 7x + 5y और ब्रैकेट में 7x - 5y। ठीक है, तो 7 का इससे करेंगे, 7x के साथ में क्या आ जाएगा, 7x - 5y + 5y के साथ में क्या आ जाएगा, 7x - 5y। तो ये क्या हो जाएगा, 7 × 7 × x² - 35xy + 35xy - 5 × 5y × y, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 7x² - 5y² तो ये फॉर्मूला भी होता है, a² - b² = a + b और a - b। ठीक है, सो प्रोडक्ट ऑफ द टू पॉलिनोमियल्स इस तरह से निकालते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द टू पॉलिनोमियल्स हमने सीख लिए, तो अब नेक्स्ट क्या रहेगा हमारा, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको भी ट्राई करने हैं घर पे। तो पहला क्वेश्चन लिख लीजिए, 7x - 3y2y है ये, ठीक है, और 3x - 7y। क्वेश्चन नंबर 2, 5x² - 3y2x, इसका 2y5x - 2y3y से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, यहाँ पर y कर लो आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, a² + b² a into b a + b का मल्टीप्लाई करना है, a² - ab + bq से। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, a + b + c ब्रैकेट में a + b + c। ठीक, ये चार आपको होमवर्क के लिए दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं होमवर्क में। ठीक है, अब कुछ आइडेंटिटीज़ लिख लेते हैं हम। आइडेंटिटीज़ बेस्ड कुछ चीज़ें रहती हैं, प्रोडक्ट पॉलिनोमियल में प्रोडक्ट कर लिया हमने, मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, प्लस कर लिया, माइनस कर लिया, अब आइडेंटिटीज़। ठीक है, आइडेंटिटीज़ क्या क्या होती हैं वो आप लोगों को याद होनी चाहिए अच्छे से, आप लोगों को वो अच्छे से वो आप लोगों को याद करनी है। ठीक है, ठीक है, पहली होती है a + b² = a² + b² + 2ab। ठीक है, दूसरी होती है a - b² = a² + b² - 2ab। ठीक है, इन्हीं में एक और काम की चीज़ होती है, x + 1/x² = x² + 1/x² + 2 और x - 1/x² = क्या,
प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस टू। ठीक है, अच्छा अगर हम इस वाले एक्सप्रेशन में माइनस फोर ए बी सॉरी प्लस का फोर ए बी दोनों तरफ कर दें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस फोर ए बी सॉरी प्लस फोर ए बी हमने दोनों तरफ किया तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और प्लस का फोर ए बी करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा टू ए बी, तो यहाँ पर क्या बचा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हमारे पास रिलेशन क्या आ जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस फोर ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये भी हमें डायरेक्टली याद रखना होता है, किन्हीं किन्हीं क्वेश्चन में इसको हम डायरेक्ट भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हैं ये सारी अभी एक और दो ही आइडेंटिटीज़ हैं, ये इसका एक सब्स्टिट्यूशन है एक्स ए की जगह पर एक्स, बी की जगह पर वन अपॉन एक्स। ठीक है, ओके, तीसरी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, या टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए। जब हम चौथी आइडेंटिटी लिखते हैं क्या ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो बी की जगह पर माइनस बी रख दो, तो ए स्क्वायर प्लस बी की जगह पर माइनस बी का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ब्रैकेट में ए की जगह पर माइनस बी प्लस माइनस बी इंटू सी प्लस सी ए। तो जब ये सॉल्व होके आएगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस टू बी सी प्लस टू सी ए। ठीक है, पांचवी आइडेंटिटीज हम लिखेंगे क्या ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, यानी कि b और c की जगह पर माइनस रखेंगे तो ये वाला टर्म तो बिल्कुल वैसे का वैसा ही बना रहेगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू ए बी आएगा। ठीक है, माइनस टू ए सी आएगा, लेकिन b और c आपस में माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएंगे, तो टू बी सी आएगा। ठीक है, छठवीं आइडेंटिटी a प्लस बी का होल क्यू इज इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस बी क्यू प्लस थ्री ए बी ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक और रखनी होती है हमें याद, ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू ए माइनस ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस थ्री ए बी ब्रैकेट में ए माइनस बी, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस ए माइनस बी ब्रैकेट में क्या ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक, एक और स्पेशल आइडेंटिटी होती है, इसको स्पेशल आइडेंटिटी ही बोलते हैं, क्या ए क्यूब प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में फिर ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, ये पूरी आइडेंटिटी है, लेकिन अगर इसमें एक केस बन जाए, क्या केस बन जाए, इफ़ इसमें अगर एक केस बन जाए कि इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, यानी ये जीरो तो ये पूरा टर्म जीरो, तो इसका मतलब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू प्लस का थ्री ए बी सी। ठीक, तो ये आपकी आइडेंटिटीज़ हैं कुछ जो आपको याद होनी चाहिए। ठीक, ये आइडेंटिटीज़ आपको पूरी तरह से याद करनी है, बिल्कुल नेक्स्ट टर्न पर जब भी हम आएंगे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे उस समय पर आपके पास ये आइडेंटिटीज सारी आपको आनी चाहिए। अगर आपको आइडेंटिटीज नहीं आएंगी तो आप सिर्फ देखते रह जाएंगे कि क्वेश्चन कैसे हो रहे हैं। अभी फिजिकल क्लासेस नहीं है, मैं एक एक बच्चे से नहीं पूछ पाऊंगा, लेकिन आप लोगों का एक होमवर्क ये भी है कि इन्हें आइडेंटिटीज़ को एक पेज पर दो बार लिख के एक पेज पर ऐसे लाइन बनाइए, एक साइड एक साइड फिर से एक साइड पूरी आइडेंटिटी लिखिए, दूसरी साइड पूरी आइडेंटिटी लिखिए, अलग अलग पेन से, इधर ब्लू से इधर रेड से,
फिर वो मुझे आप भेजिए, ठीक है। इधर एक साइड ब्लू से और एक साइड रेड से, ऐसा नहीं कि इधर ब्लू से लिख दिया, एक फ़ोटो खींचा, फिर दोबारा से उसी को फ़ोटो खींच के सर को भेज दो चुपका के, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। एक पेज पर एक साइड में लाइन खींचिए, इधर ब्लू पेन से, इधर रेड पेन से, ठीक है। हो सके किसी के पास अगर ब्लैक पेन भी हो तो तीसरे पेज पर ब्लैक पेन से। तीन बार आप मुझे ये लिख के भेजिए बिना देखे। आई बिलीव ऑन यू कि आप लोग कोई किसी तरह की चीटिंग नहीं करेंगे, बिलीव करता हूँ आप लोगों पर। और ये आइडेंटिटी बिल्कुल कंठस्थ हो जानी चाहिए, पूरी तरह से याद हो जानी चाहिए आपको, ठीक है। इसी से बेस्ट क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू वेरी मच।